वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हो। आपको पता ही है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं। आज मैं लाया हूँ और एक नया वीडियो जिसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। बच्चों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। सो लेट स्टार्ट, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का एग्जांपल मैंने लास्ट दिन लिखाया था, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, ये H2O2 है, ये डिकम्पोज होके H2O प्लस हाफ O2 बनेगा। ठीक है, H2O2 लिक्विड है, H2O लिक्विड है, O2 क्या है, गैस है। अरे देखो मैं यहाँ पे इनिशियली कुछ रैंडम डेटा ले रहा हूँ। जब T=0 है तो H2O2 मान लो है 100 मोल। ठीक है, जब T=10 है, 10 सेकेंड मान लो, तो 10 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, 10 मोल ऑफ H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, तो बचेगा कितना, 100 - 10 = 90। जब T=20 है तो 20 मोल डिकम्पोज हो रहा है 80। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो 100 है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ N0 के फॉर्म में, और ये जो 10 है 20 है इनको मैं लिख सकता हूँ एज एक्स। ठीक है, ये 10, 20 ये भी जो भी चीज है ये सारे क्या है, दीज आर ऑल एक्स, मतलब एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी के बाद डिकम्पोज हुआ है। अच्छा यहाँ पे कितना O2 बनेगा, T=0 पे O2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 0। जब T=10 पे O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, देखो 1 मोल H2O2 से आधा मोल O2 बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 10/2, यहाँ पे 20/2, यहाँ पे X/2। अच्छा यहाँ पे जब T=∞ होगा तब रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, जब T=∞ होगा तब रिएक्टेंट 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N0/2। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो कितना बनेगा ऑक्सीजन, N0/2। यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ln N0/80=kT। देखो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन मुझे मेजर करना है। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का तरीका होता है टाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखो, मान लो एक ऐसे बीकर में रिएक्शन हो रहा है, H2O2 का डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, H2O2 का कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली रिएक्शन मिक्सचर से 10 ml, या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बाहर निकाल के उसको टाइट्रेशन करूंगा बाय यूजिंग KNO4। ठीक है, इनिशियली मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन से कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पिपेट से निकाल के उसका टाइट्रेशन करूंगा बाय यूजिंग KNO4। तो ऐसे हर एक टाइम इंटरवल के बाद H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर करेंगे या H2O2 को हम टाइट्रेट करेंगे बाय यूजिंग KNO4। ठीक है, तो हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 ड्यूरिंग द
रिएक्शन, यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2O2 ड्यूरिंग द रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय द टाइट्रेशन, मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन यूजिंग KMnO4। KMnO4 से हम टाइट्रेट करेंगे H2O2 को। आप लोगों ने KMnO4 का रिएक्शन पढ़ा ही है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन विद H2O2, ये आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम KMnO4 से टाइट्रेशन करेंगे H2O2 को, ठीक है। इससे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम मेजर या मॉनिटर कर सकते हैं। देखो बच्चों, ड्यूरिंग द रिएक्शन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम सॉल्यूशन से कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पिपेट आउट करके उसका टाइट्रेशन करेंगे KMnO4 से। देन KMnO4 के ब्यूरेट में कुछ रीडिंग आएगा, KMnO4 का वॉल्यूम आएगा। अब इस KMnO4 का वॉल्यूम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, AT इन सबको डिनोट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे वो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 से हम एक्सप्रेस करेंगे। चलो देखते हैं इसको। अच्छा देखो, यहाँ पे V0 क्या है, V0 वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इनिशियली। VT क्या है, VT है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम T। देखो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, A0 प्रोपोर्शनल टू V0, मैं ऐसा लिख सकता हूं नहीं। देखो इनिशियली जितना ज्यादा H2O2 होगा V0 का वैल्यू उतना ज्यादा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा KMnO4 का वॉल्यूम लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ A0 प्रोपोर्शनल टू V0। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ AT प्रोपोर्शनल टू VT। देखो टाइम T = 10 सेकंड के बाद कितना H2O2 है, 90। T = 20 के बाद कितना H2O2 है, 80। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में किस में ज्यादा लगेगा KMnO4? ऑब्वियसली 90 वाले में ज्यादा लगेगा KMnO4। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ AT proportional to VT। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ को वॉल्यूम से एक्सप्रेस करूंगा। देखो LnV0/VT हो जाएगा = KT। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहाँ पे V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इनिशियली, VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम T। इस क्वेश्चन में देखो, तो देखो यहाँ पे क्या तुम्हें प्रूफ करना है, तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करना है जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, LnV0/VT = KT, ठीक है। हीट एंड ट्रायल एक बार हम क्या करेंगे, T = 10 के लिए K का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे T = 20 के लिए K का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा इसको मैं मान रहा हूँ K1, इसको मैं मान रहा हूँ K2, ठीक है। T = 10 के लिए हम निकालेंगे K का वैल्यू एंड T = 20 के लिए निकालेंगे हम K का वैल्यू। देखो यहाँ पे V0 दिया है, VT भी दिया है, तुम लोग जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ K का वैल्यू क्या आ रहा है। T = 10 पे K का वैल्यू क्या आ रहा है एंड T = 20 पे K का वैल्यू क्या आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो और मुझे बताओ। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में लॉग का वैल्यूज दिया रहेगा, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं, अभी के लिए तो कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है।
होपफुली आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया होगा। देखो K1 का वैल्यू आएगा 0.054 के आसपास एंड K2 का वैल्यू आएगा 0.051 के आसपास। ठीक है, आई होप तुम लोगों का भी यही वैल्यूज आ रहा है। तो देखो K1 नियरली इज इक्वल्स टू K2 हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब वो वैलिड है। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। या तो देखो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, ये डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तुम्हें ये दो डेटा दिया है, उसके बाद रेट कांस्टेंट पूछा गया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। अगर तुम्हें ये इक्वेशन पता नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं इंटीग्रेटेड डेट लॉ को एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, H2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, H2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा यहाँ पे देखो, मान लो बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, H2O2 है इनिशियली, एंड मान लो ये मूवेबल पिस्टन है, जब जब ऑक्सीजन गैस बनेगा कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन ऑक्सीजन, व्हेन O2 इज स्टार्ट टू फॉर्म, देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा देखो ये वी इंफिनिटी क्या है, वी इंफिनिटी है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस आफ्टर टाइम टी। अब देखो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, वी इंफिनिटी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ऐसा लिख सकते हो नहीं, वी इंफिनिटी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। जितना ज्यादा H2O2 इनिशियली होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन गैस बनेगा अल्टीमेटली। देखो टी इन्फिनिटी पे ऑक्सीजन गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ है, 100/2, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो ऑक्सीजन का मोल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वी नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी नॉट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए नॉट। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज आपका है ए टी, और ए टी आपका क्या है, ए टी आपका है ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स। अब देखो जितना एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, जितना ज्यादा एक्स का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगा, और उतना ही ज्यादा होगा वी टी का वैल्यू, उतना ही ज्यादा होगा वी टी का वैल्यू। मतलब मैं लिख सकता हूँ वी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स, मैं लिख सकता हूँ वी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो देखो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, या ए नॉट माइनस एक्स क्या है ए टी, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू ए टी। इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए टी प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, ठीक है, एंड ए नॉट प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी। इसमें किसी को दिक्कत है जल्दी बताओ। अच्छा एक बार फिर से
देखो यहाँ पे जितना ज्यादा ए नॉट होगा, ये चीज क्या है, ए नॉट है, जितना ज्यादा ए नॉट होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा. अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगा उतना ही ज्यादा होगा वी इन्फिनिटी का वैल्यू. वी इन्फिनिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए नॉट प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकता हूं. अब देखो ये 90, 80, 70 ये सब क्या है, 80 है, और 80 क्या है, ए नॉट माइनस एक्स. अब देखो एक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. जितना ज्यादा तुम्हारा होगा एक्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और उतना ही ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ, उतना ही ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आफ्टर टाइम टी. इसीलिए मैं लिख सकता हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू वी टी, एक्स प्रोपोर्शनल टू वी टी. अब देखो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए 80. अब 80 क्या है, 80 है तुम्हारा ए नॉट माइनस एक्स. तो ए नॉट माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी इन्फिनिटी माइनस वी टी. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा एलेन वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल्स टू के टी. ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन. चलो बच्चों देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन आप लोग बहुत बार पढ़ोगे. ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था. अच्छा यहाँ पे मैं, अच्छा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या चाहिए होता है, यहाँ एक्चुअली में हो रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. तो हमें चाहिए होगा मिनरल एसिड. मिनरल एसिड यहाँ पे काम करेगा एज कैटलिस्ट. तो यहाँ पे कौन है मिनरल एसिड, यहाँ पे मैंने लिया है HCl, और इससे हाइड्रोलिसिस में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड अल्कोहल बनेगा. देखो बच्चों यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर विल बी मॉनिटर्ड बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन. तो देखते हैं इसको कैसे करना है. देखो मैं इनिशियली टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ईस्टर ले रहा हूँ, मान लो 100 मोल. कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होगा, जीरो. अब देखो मैंने यहाँ पे लिया है कैटलिस्ट, HCl यहाँ पे कैटलिस्ट. तो इनिशियली मुझे कुछ कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा. मान लो मैंने लिया है 20 मोल कैटलिस्ट मोल्स. टी इज इक्वल्स टू टेन पे मान लो 10 मोल ईस्टर डिकम्पोज हो गया है या हाइड्रोलिसिस हो गया है, तो बचेगा कितना 100 माइनस 10, और ये होगा तुम्हारा 10 मोल. सारे ये रैंडम डेटा है. टी इज इक्वल्स टू 20 पे 100 माइनस 20 ये हो जाएगा 80, ये 20, ऐसे ऐसे होता रहेगा. जब टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. और आपको पता ही है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होता है, कैटलिस्ट जैसे था वैसे ही रह जाएगा. तो ऑलवेज ये 20 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ ईस्टर मॉनिटर करूंगा बाय मॉनिटरिंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, बाय यूजिंग टाइट्रेशन मेथड. यहाँ पे हमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करना पड़ेगा. हम लेंगे यहाँ पे NaOH से हम टाइट्रेशन करेंगे, NaOH से हम टाइट्रेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पर भी वही है. मान लो इस बीकर में रिएक्शन हो रहा है, बीकर में रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ईस्टर है और आपका कैटलिस्ट वगैरह है H2O है. इनिशियली मैं क्या करूँगा, मान लो 10 ml
10 ml सॉल्यूशन को पिपेट आउट करके, 10 ml सॉल्यूशन को पिपेट आउट करके टाइट्रेशन करूंगा भाई इन ओएच। उसके बाद रिएक्शन जितना आगे बढ़ता जाएगा, मैं सॉल्यूशन से कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बाहर निकल के टाइट्रेशन करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट है वॉल्यूम ऑफ एनएओएच रिक्वायर्ड इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ एनएओएच रिक्वायर्ड इनिशियली। द वी नॉट, वी नॉट किसको सिग्निफाई करेगा, वी नॉट सिग्निफाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। इनिशियली देखो, इनिशियली कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इनिशियली सॉल्यूशन में क्या है, इनिशियली सॉल्यूशन में एसिड मतलब यहाँ पे HCl है। तो ये जो वी नॉट है, वी नॉट किसको सिग्निफाई करेगा या किसको बताएगा, वी नॉट बताएगा 20 मोल HCl को, वी नॉट बताएगा 20 मोल HCl को, या वी नॉट मेजर्स द 20 मोल HCl। उसके बाद देखो VT मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ NOH रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ NOH रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम टी। मान लो टाइम है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पे देखो सॉल्यूशन में अभी कौन कौन से एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड 10 मोल बन गया है, एंड HCl 20 मोल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो VT सिग्निफाइज, या VT मेजर्स 20 मोल HCl प्लस 10 मोल CH3COH, ठीक है। VT सिग्निफाइज, या VT टेल्स अस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर टाइम टी। जो और एक चीज क्या है, V इन्फिनिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ NOH रिक्वायर्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तब देखो 20 मोल HCl रहेगा और 100 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं 20 मोल HCl प्लस 100 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो जब रिएक्शन, कौन से वाले में, सर सेकंड वाले में 10 मोल CH3COH क्यों आएगा, मतलब टाइम टी के बाद, वो तो कुछ भी हो, मैंने टाइम टी को अभी 10 लिया है, 10 टी तो कुछ भी हो सकता है ना, टी तो कुछ भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया है टाइम लिया है 10। तो टाइम 10 के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितना है, 10 है। टाइम टी के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइम को ले लिया है 10, तुम 20 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे पूरा ही तो है तुम्हारा। इस पूरे रीजन के लिए क्या होगा, एटी होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी जब रिएक्शन खत्म होगा तब ये जो 100 मोल एसिटिक एसिड है, ये 100 मोल CH3COH है, इसके लिए नेट कितना लगेगा वॉल्यूम ऑफ NOH? देखो 20 मोल HCl के लिए लग रहा है वी नॉट, और देखो वी इन्फिनिटी सिग्निफाई कर रहा है 20 मोल HCl प्लस 100 मोल CH3COH। तो 100 मोल CH3COH के लिए नेट कितना लगेगा वॉल्यूम ऑफ NOH, ये आपका हो जाएगा वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। सो वॉल्यूम ऑफ NOH रिक्वायर्ड फॉर CH3COH व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज इक्वल्स टू वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। मतलब जब रिएक्शन खत्म होगा उस टाइम जो एसिटिक एसिड बनेगा या CH3COH बनेगा, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ NOH कितना होगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। अब देखो यहाँ पे जितना ज्यादा ये एनॉट होगा, जितना ज्यादा एनॉट होगा या जितना ज्यादा इस्टर होगा, उतना ही ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, एनॉट प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, एनॉट प्रोपोर्शनल टू
वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। अब तुम में से मुझे कोई बताओ ए टी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। पहले बताओ टाइम टी पे, टाइम टी पे नेट वॉल्यूम ऑफ एनओएच रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होगा। वी टी माइनस वी नॉट होगा, वी टी माइनस वी नॉट होगा, कि वी टी माइनस वी नॉट है नेट वॉल्यूम ऑफ एनओएच रिक्वायर्ड फॉर CH3COH produced after time t, Vt minus V naught है net volume of NaOH required for CH3COH produced after time t। X proportional to कितना होगा? यहाँ पे देखो ये 100 क्या है, A naught है, और ये 10 क्या है, X है। जितना ज्यादा x का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम एनओएच चाहिए होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट, x प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट। तो यहां पे ये ए टी क्या है, ए टी है ए नॉट माइनस एक्स। अब ए नॉट क्या है, ए नॉट है वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, और एक्स क्या है वी टी माइनस वी नॉट। तो ये हो जाएगा वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ए टी प्रोपोर्शनल टू वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा ln v इन्फिनिटी माइनस v नॉट अपॉन v इन्फिनिटी माइनस वी टी इक्वल्स टू के टी। ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बाय यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ NOH required to titrate the acidic mixture during the reaction। देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपको V इन्फिनिटी का वैल्यू दिया रहेगा, V नॉट का वैल्यू दिया रहेगा या Vt का वैल्यू दिया रहेगा एंड टाइम वगैरह दिया रहेगा। उसके बाद पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, या तो टाइम दिया है रेट कांस्टेंट दिया है, उसके बाद पूछा गया है V इन्फिनिटी क्या है, V नॉट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो ले इसको देखते हैं। द C12H22O11 ये होता है केन शुगर का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अगर केन शुगर को एसिडिक मीडियम में रख दोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा एंड फ्रुक्टोज बनेगा। अब देखो केन शुगर का ऑप्टिकल रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो, ये होता है डेक्स्ट्रो। अब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है डेक्स्ट्रो, फ्रुक्टोज का होता है लिवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब ये पॉजिटिव साइन वाला, और लिवो मतलब नेगेटिव साइन वाला। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, द
केन सुगर का हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज बनेगा एंड फ्रुक्टोज बनेगा. केन सुगर का हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज बनेगा एंड फ्रुक्टोज बनेगा. अच्छा देखो, यहाँ पे ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 52.7 डिग्री एंड फ्रुक्टोज का होता है माइनस 92 डिग्री. ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली सॉल्यूशन देखो, अल्टीमेटली सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लिवो हो जाएगा. स्टार्टिंग में क्या है? डेक्स्ट्रो है. हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या हो गया? लिवो हो गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है. इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन का इन्वर्जन हो गया है, प्लस से नेगेटिव हो गया है. बाकी ये ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है, अल्फा डी. ये एक्चुअली में ग्लूकोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज. और फ्रुक्टोज क्या है? बीटा डी फ्रुक्टोज. बाकी इतना कुछ अभी जानने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखो, केन सुगर का इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है ड्यूरिंग द या आफ्टर हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रेट मेजर करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन चेंज वगैरह मेजर करेंगे, दैट विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन का क्या चेंज हो रहा है इसको देख के हम ये सब मेजर करेंगे. ठीक है, देखो ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पोलारिमीटर. तो मान लो ये 0 डिग्री है. ठीक है, इनिशियली ऑप्टिकल रोटेशन देखो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इनिशियली पूरा तो केन सुगर ही है. तो इनिशियली मान लो ये है ऑप्टिकल रोटेशन. राइट हैंड साइड में देखो, इस साइड क्या है? पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, और इस साइड क्या है? नेगेटिव है. ये आपका है आर नॉट इनिशियली, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनिशियली. ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद सॉल्यूशन का कुछ ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा. मान लो टाइम टी के बाद ये हो गया है ऑप्टिकल रोटेशन, इसको मैं लिख रहा हूँ आर टी. और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तब ऑप्टिकल रोटेशन तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ आर इन्फिनिटी. ठीक है, तो आर नॉट का मीनिंग है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली. आर टी का मीनिंग है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर टाइम टी. आर इन्फिनिटी का मीनिंग है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा ए नॉट, उतना ही ज्यादा ये चेंज होगा आर नॉट से आर इन्फिनिटी तक. ये चेंज उतना ही ज्यादा होगा. अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा लेता हूं तो ये आर नॉट से आर इन्फिनिटी के बीच में गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए नॉट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी. जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा होगा इन्वर्जन. और इस इन्वर्जन को हम कैसे मेजर करेंगे? आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी से. ठीक है, अब देखो ये 10, 20 ये सब क्या है? ये सारे एक्स है. अब एक्स प्रोपोर्शनल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं आर नॉट माइनस आर टी. जितना ज्यादा एक्स होगा या जितना ज्यादा केन सुगर का डिकम्पोजिशन होगा उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होगा. ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा आर नॉट माइनस आर टी. जितना ज्यादा केन सुगर का डिकम्पोजिशन होगा
उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज होगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं एक्स प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर टी। अच्छा अब देखो ए टी इज इक्वल्स टू क्या है, ए टी इज इक्वल्स टू है ए नॉट माइनस एक्स, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी, तो हो जाएगा ये आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा ln आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इक्वल्स टू के टी, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ इन्वर्जन ऑफ किंग्सगर यूजिंग ऑप्टिकल रोटेशन, यूजिंग ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्वर्जन ऑफ किंग्सगर का कुछ डेटा दिया है, टाइम इंटरवल पे एंगल ऑफ रोटेशन वगैरह दिया है देखो, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम ऑप्टिकल रोटेशन विल बी ज़ीरो, ठीक है, मतलब कौन से टाइम के बाद ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो हो जाएगा। बच्चों आपको ये पता ही है यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूजिंग ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, ln आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू के टी। यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट तो ये ऑप्टिकल रोटेशन इनिशियली, आर इन्फिनिटी क्या है ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड, आर टी क्या है ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आर नॉट का वैल्यू क्या है, प्लस 13.1, आर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है 3.8, ठीक है। तो देखो आर टी का वैल्यू भी दिया है ज़ीरो, अभी हमें टी निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन में मुझे आर नॉट पता है, आर इन्फिनिटी पता है, आर टी पता है, लेकिन के एंड टी पता नहीं है, टी हमें निकालना है। टी निकालने के लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए होगा, टी निकालने के लिए हमें रेट कांस्टेंट चाहिए होगा। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं किसी और एक टाइम पे ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू लूँगा एंड देन आई विल यूज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलो बच्चों लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 60 पे ऑप्टिकल रोटेशन क्या है देखो प्लस 11.6। इस डेटा को लेके मैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालूंगा। तो देखो बच्चों ln आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी मतलब प्लस 13.1 माइनस 3.8 अपॉन यहाँ पे आर टी का वैल्यू क्या है 11.6 माइनस 3.8 इक्वल्स टू के इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 16.9 अपॉन 15.4 के इंटू 60। तो के इज इक्वल्स टू होगा 1/60 इंटू ln 16.9 अपॉन 15.4, ठीक है। तो ये तो आ गया के का वैल्यू। अब देखो मुझे क्या निकालना है, कौन से टाइम पे ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ फिर से, ln आर नॉट का वैल्यू है प्लस 13.6 माइनस 3.8
3.8 और आर टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, -3.8। अब k का वैल्यू क्या है, 1/60 ln 16.9 अपॉन 15/15.4। इंटू टी तो ये हो जाएगा एल एन 16.9 अपॉन 3.8 और यहाँ पे 1/60 एल एन 16.9 बाई 15.4 इंटू टी। बच्चों यहाँ पे देखो एलेन को आपको एग्जाम में लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज डेटा लॉग में दिया रहेगा, ठीक है। चलो जो भी है यहाँ पे मैंने तो अभी कैलकुलेटर यूज़ किया है, आपको एग्जाम में लॉग का डेटा वगैरह दिया रहेगा तो अभी कैलकुलेट करके टी इक्वल्स टू आएगा 964 मिनट के आसपास, 964 मिनट के आसपास, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो फोर्थ टॉपिक है रेडियो एक्टिव डीके। देखना मैंने लास्ट दिन जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स बताया था उसमें रेडियो एक्टिव डीके था, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, अभी थोड़ा देख लो। रेडियो एक्टिव डीके होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो एन नॉट है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली। एन टी क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी। अच्छा तुम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए टी इज इक्वल्स टू होता है क्या, ए नॉट इंटू टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट टू पावर माइनस के टी। अच्छा और एक मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू टू दावर एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा ये इक्वेशन तुम लोगों को याद होगा, ए टी इक्वल्स टू क्या होता है, ए नॉट अपॉन टू टू द पावर एन। ये इक्वेशन तुम लोगों को याद आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव डीके। इसमें जेई मेंस एंड नीट में इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आता है, इन दोनों फॉर्मूले से बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। रेडियो एक्टिव डीके जेई एडवांस में बहुत ही डिटेल में है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो बच्चों रेडियो एक्टिव डीके के इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड दिया है 3 डेज। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप 12 दिन बाद रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। अब देखो जब रिसीव्ड हुआ है तब 3 ग्राम ऑफ आइसोटोप इज लेफ्ट, जब रिसीव्ड हुआ तब 3 ग्राम ऑफ आइसोटोप बचा है। तो इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन टी अमाउंट ऑफ आइसोटोप लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, यहाँ पे एन टी कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है, और इसका करस्पोंडिंग टाइम कितना है, 12 डेज, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एन नॉट इनिशियल अमाउंट निकालना है। अब देखो बच्चों आपको ये फॉर्मूला पता ही है, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है टाइम बाय टी हाफ। ये मैंने ऑलरेडी बताया था जहाँ पे मैंने फर्स्ट रिएक्शन को एनालाइज किया था, उस वीडियो में देखना, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा,
यहाँ पे एन का वैल्यू होगा 12/3 इक्वल्स टू 4, तो एन नॉट इज इक्वल्स टू सॉरी एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन 2^4, तो एन नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एन टी का वैल्यू कितना दिया है, एन टी का वैल्यू दिया है 3 और ये 2^4, 3 × 16, तो ये हो जाएगा 48 ग्राम, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो देख के आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल लॉलीपॉप जैसे लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।